वानी दीदी, कपड़े रख दिया मैंने, चलती हूँ मैं। अरे रुक, एक कप चाय पी के जा। अरे नहीं नहीं दीदी, तब तक तो बैंक बंद हो जाएगी ना। बिटिया के लिए पैसे जमा करा रही हूँ, सुकन्या समृद्धि में। अच्छा, अगली बार ना पक्का चाय पी के जाऊंगी। चल ठीक है, जा। देखा वानी दीदी, बेटी की कितनी चिंता है ना। पर कोई और भी है जो देश की हर बेटी की चिंता कर रहा है। सही पकड़े वानी दीदी। वैसे ख्याल तो रखते हैं मोदी जी हमारा, क्यों सुप्रिया? अब तो चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ता ना। नहीं दीदी, जब से उज्ज्वला का मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिला है, तब से ना चूल्हा है ना धुआं। और तू बता विनीता, पति कैसा है तेरा? अच्छा है दीदी। और इलाज पे कितने खर्च हो गए? पैसे नहीं दीदी, सिर्फ कार्ड लगा है, आयुष्मान कार्ड। दीदी, इस स्कीम की वजह से ना हमारे पूरे फैमिली को मुफ्त इलाज का कवरेज जो मिला है। मिला तो सकीना को भी है। सिर्फ मुझे ही नहीं शिवानी दीदी, मेरी जैसी लाखों करोड़ों बहनें हैं जिन्हें 3 तलाक के काले कानून से आजादी मिली है। जेब बात, कोई भी तबका हो, देश की हर बेटी के बारे में चिंता कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और पता है क्या, अब मोदी जी ना महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण दे रहे हैं। एक और चीज। अच्छा वो क्या है दीदी? इस बार की रिपब्लिक डे परेड देश की हर नारी को डेडिकेट हो रही है। इस बार कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड शुरू होगी, 100 महिला कलाकारों के शंख नगाड़ों और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। 2 महिला टुकड़ी, पहली जल थल वायु सेना की और दूसरी मिलिट्री फोर्सेस के नर्सेस की, भारत का मान बढ़ाएंगी। 75वें रिपब्लिक डे का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। अरे वाह, इस बार पूरी दुनिया साक्षी बनेगी इन ऐतिहासिक पलों की, आप भी जरूर बनिए। गणतंत्र दिवस का त्योहार नारी को समर्पित इस बार।